वेलकम स्टूडेंट्स दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ लेसन नाइन मेजर लैंडफॉर्म्स। द अर्थ सरफेस इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर पृथ्वी जो है दो चीज़ों से मिलकर बनी है एक लैंड भूमि और वाटर पानी वाटर कवर्स अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस, वाई लैंड कवर्स ओनली 29% ऑफ इट मतलब कि 71 परसेंट पृथ्वी पर पानी है और 29 परसेंट लैंड है नाउ लैंड फॉर्म्स आर नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस अब लैंड फॉर्म क्या होती है लैंड फॉर्म्स क्या होती है पृथ्वी के प्राकृतिक फीचर्स है प्राकृतिक स्वरूप है पृथ्वी का पृथ्वी के मुख्य स्वरूप कौन कौन से हैं माउंटेन्स पहाड़ प्लेटूस पठार प्लेन्स मैदान डेजर्ट रेगिस्तान एंड रिवर वैलीज रिवर वैलीज किसको कहते हैं नदी घाटी नाउ वॉट आर कॉन्टिनेंट्स एंड वाट आर ओशंस लार्ज लैंड मार्सेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशंस माने महाद्वीप क्या है और महासागर क्या हैं महाद्वीप पृथ्वी प्रत्... के बड़े बड़े टुकड़े हैं और महासागर क्या हैं पानी की बड़े बड़े बॉडीज हैं वाटर बॉडीज़ हैं देर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स एंड फाइव ओशंस इन द वर्ल्ड दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं और फाइव ओशंस हैं वो सेवन कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं दैट इज़ एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अंटार्टिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया और देर आर फाइव ओशंस पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन इंडियन ओशन आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन नाउ द सर्फेस ऑफ अर्थ इज़ नॉट यूनिफॉर्म माने कि पृथ्वी की, की सतह जो है हर जगह बराबर नहीं है सम पार्ट्स आर फ्लैट कुछ पार्ट उसका चपटा है वाइल अदर्स आर अनडेल्टेड एंड रफ और कुछ भाग उसका कैसा है ऊंचा नीचा है दिस वेरिएशन इज कॉल्ड रिलीफ इसको हम क्या कहते हैं रिलीफ द मेजर लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ आर माउंटेन्सूस प्लेन्स डेजर्ट एंड रिवर वैलीज नाउ वट आर माउंटेन्स ए माउंटेन इज एन एरिया दैट इज मच हायर देन द लैंड अराउंड इट माउंटेन कैसा होता है अपने आस पास के एरिया से अधिक ऊंचाई का होता है माउंटेन्स आर द हाइस्ट लैंडफॉर्म जितनी भी लैंडफ़ॉर्म्स हैं उसमें सबसे ऊंची जो लैंडफॉर्म है वो क्या है माउंटेन। जनरली विथ पॉइंटेड टॉप्स कॉल्ड पीक्स और उसका ऊपरी हिस्सा कैसा होता है एकदम पॉइंटेड जिसको हम कहते हैं पीक्स पीक उसको हिंदी में हम कहते हैं चोटी द पीक्स में बी कोनिकल और राउंडेड पीक जो है कोनिकल मानी कि कौन शेप की भी हो सकती है और राउंडेड और राउंड शेप की भी हो सकती है एंड मे हैव स्टीप स्लोप्स और उसकी ढलान कैसे होती है बिल्कुल खड़ी होती है जिसमें कि आप फिसल सकते हैं माउंटेंस डिफर इन हाइट एंड शेप ड्यू टू देयर एज माउंटेंस जो हैं अलग अलग हाइट के अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं कप किस हिसाब से अपनी एज के हिसाब से द हिमालज़ आर यंग एंड वेरी हाई माउंटेंस विथ पॉइंटेड पीक्स हिमालयाज़ जो हैं वो सबसे यंग हैं सबसे युवा पर्वत हैं एंड वेरी हाई माउंटेंस और युवा हैं और सबसे ऊँचे पर्वत हैं विथ पॉइंटेड पीक्स और उनका ऊपरी हिस्सा कैसा है एकदम पॉइंटेड है ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हम देखें तो अरावलीज़ आर वेरी ओल्ड अरावली रेंज कैसी हैं बहुत पुरानी है ओल्ड है एंड हैव लो राउंडेड पीक्स और उनकी पीक कैसी है उनकी चोटी कैसी है राउंडेड अरावली की चोटी कैसी है राउंड नाउ टाइप्स ऑफ माउंटेंस मतलब माउंटेंस के कितने प्रकार हैं माउंटेंस दर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेंस नंबर वन इज़ फोल्ड माउंटेन फोल्ड माउंटेंस आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माउंटेन इस तरह के माउंटेन सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देंगे द हिमालय इन एशिया एंड द अर्ब्स इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स जो हिमालय है एशिया में और यूरोप में अर्फ पर्वत जो है वो फोल्ड माउंटेन के ही उदाहरण हैं दे आर फॉर्म बाय कोलाइजन ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स ये किस तरह से बनते हैं दो टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में एक दूसरे से भिड़ने से टकराने से विच कॉज द अर्थ crust टू फोल्ड जिसके फलस्वरूप क्या होता है पृथ्वी की सतह जो है क्रस्ट क्या होती है ऊपरी सतह वो क्या हो जाती है उसमें फोल्ड पड़ जाता है फोल्ड माने कि मुड़ जाती है और इस तरह से ये माउंटेन बनते हैं नाउ नेक्स्ट माउंटेन इज़ ब्लॉक माउंटेंस दीज माउंटेंस आर फॉर्म वेन मास ऑफ अर्थ स्लाइसड स्लाइड्स एलोंग द क्रैक्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जब पृथ्वी की सतह जो है क्रैक पर क्रैक पड़ जाते हैं तो एक तरफ का हिस्सा उसका ऊंचा हो जाता है एक तरफ का नीचा हो जाता है तो ये ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होते हैं द सेरा नवेदा माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लॉक माउंटे सेरा नवेदा जो है माउंटेन जो नॉर्थ अमरीका में है वो ब्लॉक माउंटेन का एग्ज़ाम्पल है नाउ नेक्स्ट माउंटेन इज़ वॉलकैनिक माउंटेन वॉलैनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वालकैनिक इरप्शन वॉलैनो जानते हैं वॉलनो हम ज्वालामुखी कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत ये कैसे होते हैं ये ज्वालामुखी फटने से ये पर्वत बनते हैं फॉर एग्जाम्पल माउंट फ्यूजी इन जापान इसके एग्ज़ाम्पल क्या है माउंट फिजी जो जापान में है माउंटेंस ऑफ एन हैव अ सीरीज ऑफ पैरल रेंजेस विच कैन बी हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स लॉन्ग माउंटेन्स जो है इस सीरीज में एक पैरल रेंज पैरल मतलब समांतर समांतर श्रृंखलाओं में होते हैं जो कि करीब हंड्रेड किलोमीटर्स लंबे भी हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल्स जैसे द एंडीज़ इन साउथ अमेरिका एंड द हिमालयस इन एशिया हिमालय एशिया में और एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका में बेटे और भी तरह के माउंटेंस होते हैं बट हमारे सिलेबस में तीन तरह के माउंटेंस बताए गए हैं इसीलिए हम तीन ही प्रकार के माउंटेंस को पढ़ेंगे नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेंस माने पहाड़ों का महत्व माउंटेंस एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट कोल्ड हॉट और ड्राई विंड्स एंड दस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द लैंड मार्क्स माउंटेन जो हैं अपने दूसरी तरफ के लैंड जो पर्वत होते हैं जो अपने एक तरफ से मतलब जो दूसरी तरफ का जो क्षेत्र होता है उसके उसमें को कई चीज़ों से बचाते हैं जैसे दूसरी तरफ यदि ठंडी अधिक पड़ती है कोल्ड अधिक पड़ता है तो वहाँ पर दूसरी तरफ कोल्ड कम हो जाएगा माउंटेंस रोक लेंगे उनको हॉट यदि पड़ता है तो उसको रोक लेंगे ड्राई विंड्स वहाँ से आ रही हैं तो उसको रोक लेंगे तो इस तरह माउंटेन्स जो है अपने अपोजिट जो लैंड मास हैं वहाँ उसके एक बैरियर का काम करते हैं रिवर्स ओरिजिनेटेड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द माउंटेंस प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन ड्रिंकिंग एंड पावर जनरेशन जो भी नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं अधिकतर नदियाँ कहाँ से पहाड़ों से निकलती हैं वो हमें क्या प्रदान करती हैं पानी और इसका पानी किस किस के काम आता है इरिगेशन सिंचाई के ड्रिंकिंग पीने के और पावर जनरेशन और बिजली बनाने के काम आता है देन वेरियस मिनरल्स आर फाउंड इन माउंटेन्स कई प्रकार के खनिज पदार्थ भी हमें माउंटेन से प्राप्त होते हैं द रिवर्स ब्रिंग डाउन सैंड एंड सिल्ड फ्रॉम माउंटेंस एंड डिपॉजिट दैम इन प्लेन्स टू मेक द प्लेन फर्टाइल रिवर्स जो हैं वहाँ से माउंटेन्स निकलने वाली रिवर्स जो हैं अपने साथ सैंड लाती हैं सिल्ट लाती हैं और ला के वो कहाँ बिछाती हैं नीचे मैदानों में और इस तरह से जो मैदान हैं वो उसकी लाई मिट्टी से उपजाऊ बन जाते हैं द माउंटेन स्लोप्स हैव रिच फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड्स माउंटेंस की जो स्लोप होती है ढलान होती है वहाँ पर खूब घने जंगल होते हैं और फर्टाइल लैंड और उपजाऊ लैंड होती है बेटे अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ प्लेटोज